चुनावी बिगुल फूंकने उज्जैन आएंगे पीएम मोदी, करेंगे आम सभा, अभी तारीख तय नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की उज्जैन संभाग में आम सभा होती आई है। साल 2013 में चुनाव में भी उज्जैन शहर में पीएम मोदी ने नानाखेड़ा स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किया था। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल आम सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे, इसे लेकर स्थान का चयन भी हो गया है। अभी पीएमओ कार्यालय में तारीख तय होनी बाकी है। हालांकि नवंबर महीने में होने वाली पीएम की इस आम सभा को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जैन संभाग में आम सभा होती आई है। साल 2013 के चुनाव में भी उज्जैन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाखेड़ा स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किया था। इस बार फिर उज्जैन शहर में ही उनकी आम सभा होना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जैन में विशाल आम सभा होगी, इसे लेकर दो स्थानों का चयन किया गया है। पीएम की आम सभा की तारीख अभी तय नहीं। विवेक जोशी ने बताया कि नानाखेड़ा स्टेडियम के अलावा कार्तिक मेला ग्राउंड में भी चयनित स्थानों में शामिल है। हालांकि नानाखेड़ा स्टेडियम ज्यादा उचित माना जा रहा है। जोशी ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा की तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी जरूर शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ भी कर ले, सत्ता परिवर्तन होना तय है। महेश परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा से भी अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने साल 2013 में उज्जैन में आम सभा को संबोधित किया था। इस आम सभा का उज्जैन संभाग में ऐसा जादू चला था कि पूरे संभाग की 29 में से केवल एक सीट ही कांग्रेस के खाते में आई थी। सुवासरा विधानसभा की सीट तत्कालीन प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज कराते हुए कांग्रेस के खाते में दी थी। पीएम की सभा के जरिए बीजेपी को इस बार फिर जादू चलने की उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।